Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई इंटर्नशिप की अपडेट निकल कर आ रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एनी प्लेटफॉर्म, एनी डोमेन, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास अच्छा मौका है गवर्नमेंट के साथ काम करने का. बाकी जो छोटी से छोटी डिटेल्स होती है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, वो वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर करना ना भूलें. चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ. सो हमारी इंटर्नशिप निकल कर आ रही है नीति आयोग की तरफ से. ये नेशनल पोर्टल है इंडिया का, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए हर महीने 1st to 10th के बीच में आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम उन लोगों के लिए है जो कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कोई रिसर्च स्कॉलर है किसी भी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है. बहुत अच्छे अच्छे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं. सो हर महीने 1st to 10th के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आज 8 है, आपके पास 2 दिन और है, आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा. अब किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर लिंक्स दिख रहे होंगे. अप्लाई करने का भी लिंक दिया गया है. इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अगर आप नीति आयोग की स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं, गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, सो आपके पास यहाँ पे अलग से लिंक दिया गया है. क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पोर्टल खुलकर आ जाएगा जहाँ पे प्रोसीजर और आपका गाइडलाइंस मिल सकती हैं. सो नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम के अंदर आपके पास जो गाइडलाइंस आने वाली है उसका अलग आपके पास ऑप्शन है और आपकी जो इंस्ट्रक्शन रहेगी वो ऑप्शंस अलग यहाँ पे दिए गए हैं. सो नीति आयोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डोमेन, कोई भी अगर आप किसी भी वर्टिकल डिवीज़न में आप काम करते हैं तो यहाँ पे हर एक इंटर्न के लिए ओपनिंग निकल कर आई है. इंटर्नशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किस तरह से उनकी फंक्शनिंग चलती है, किस तरह से पॉलिसीज़ बनती हैं, कोई भी पॉलिसीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट्स, पॉलिसी वर्क, देन कोई भी एनालिसिस करनी है. सो स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के साथ आप अच्छे से काम कर सकते हैं. इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करते हैं. एलिजिबिलिटी में बताया गया है अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं और अपने 2nd या 4th सेमेस्टर में हैं, आप कोई भी बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा बताया गया है कि आपके अभी तक की जितनी भी क्वालिफिकेशन हुई है अप टू 12th, उसमें आपके स्कोर जो है, आपका मार्क्स जो है वो अच्छे होने चाहिए. अप टू 80%, 85% तक का आपका जो है यहाँ पे ग्रेड रिक्वायर्ड है. इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे क्राइटेरिया 70% का रखा गया है. बाकी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बीई, बीटेक या किसी और डोमेन के, यहाँ पे 70 से लेके 85% के बीच में आपका मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है. पीरियड की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 6 वीक्स की आपको यहाँ पे इंटर्नशिप मिल सकती है. हो सकता है 6 to 6 मंथ्स तक भी चले. सो 6 वीक्स से लेके 6 मंथ्स तक के आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम और आपका जितना आपके पास स्किल्स हैं उसके बेसिस पे आपकी इंटर्नशिप यहाँ पर फर्दर परस्यू हो सकती है. अलावा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी इंटर्नशिप कम्प्लीट करेंगे उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनके पर्टिकुलर डिवीजन हेड की तरफ से. ये क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है. बाकी अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. सो एक बार आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी. जब भी आप इंटर्नशिप इनके साथ स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस जो है वो काफ़ी अच्छी हो. 75% से बिलो अपनी अटेंडेंस जो है वो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा. सो ये है कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू योर नीति आयोग इंटर्नशिप गाइडलाइंस. बाकी आपको अगर मैं सेक्टर की बात करूँ सो डोमेन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनमें आपको इंटर्नशिप मिल सकती है. सो ये सारी डोमेन्स आपके पास यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है. आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए. अगर आपकी डोमेन यहाँ पे मेंशनड है देन यू गाइज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट. इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट का सैम्पल बताया गया है. कुछ इस तरह की सर्टिफिकेशन आपको मिल सकती है जिसमें आपका नाम मेंशन होगी, आपकी यूनिवर्सिटी की मेंशन होगी, कितने टाइम तक आपने यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप की है वो भी यहाँ पे मेंशन की जाने वाली है. सो ये है आपका सर्टिफिकेट का सैम्पल। आपको यहाँ पे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होगा वो भी देना होगा। सो उसका सैम्पल भी यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। याद रखिए अपना फॉर्मेट खुद से मत बनाइएगा, जो सर्टिफिकेट का और जो एनओसी का फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन है इसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई हेयर का जो ऑप्शन दिया गया था क्लिक करते ही आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस पोर्टल के अंदर आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे फॉर्म खुल के आने वाला है। क्या क्या डिटेल्स पूछी जा रही है, आपका पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको सबमिट करनी होगी। एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, जो भी आपने एजुकेशन अभी तक कंप्लीट की है उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी। कौन से सब्जेक्ट में पास की है, कौन से ईयर में पास की है, कंप्लीशन ईयर कौन सा था, परस्यूइंग है तो वो भी बता सकते हैं। सो ये एजुकेशन रिलेटेड आपको डिटेल्स देनी होगी। बाकी किस मंथ के लिए आप यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है एंड प्लेस ऑफ सबमिशन कौन सी चाहिए आपको। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन का एक बार प्रीव्यू आ जाएगा एंड देन आफ्टर यू गाइज कैन सबमिट योर एप्लीकेशन। सो ये है आपके कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू दिस इंटर्नशिप। आपके पास सारे मौके हैं इन गवर्नमेंट के साथ काम करने का। सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आगे आप अपनी जॉब पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस मौके को गवाइए मत। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, आज 8 हो गई है, 10 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल उसके बाद आपका पोर्टल यहाँ पे बंद हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई है। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जाके वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं या आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।